नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालेंगे बिहार में कोरोना के आंकड़ों पर। कोरोना के आंकड़े बिहार में 30,000 के पार हो चुके हैं। 24 घंटे में कुल 10,159 सैंपल्स की जाँच हुई है। अब तक कुल 19,876 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इसी के साथ वर्तमान में कोरोना के एक्टिव केस सूबे में 9,988 हो चुके हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की रिकवरी रेट 66.11% है। बिहार में कोरोना के आंकड़े 30,000 के पार हो चुके हैं। लगातार बिहार में कोरोना विस्फोट जारी है। 24 घंटे में कुल 10,159 सैंपल्स की जांच हुई है और अब तक कुल 19,876 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और इसी के साथ वर्तमान में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 9,981 हो चुकी है। सूबे में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 66.11% है। कोरोना मरीजों के लगातार बढ़ते मामलों के बीच बिहार के किशनगंज जिले के सदर अस्पताल से मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल सदर अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार महिला का उसके परिजन इलाज कराने पहुंचे थे, लेकिन अस्पताल के चिकित्सकों ने महिला को कोरोना संदिग्ध समझकर उसका इलाज नहीं किया और परिजनों को पहले कोरोना जांच कराने को कहा। महिला के परिजनों का आरोप है कि बीमार महिला सरकारी अस्पताल में 5 घंटों तक तड़पती रही। अस्पताल कर्मी और चिकित्सक तमाशा देखते रहे और अंत में महिला ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। इसके बाद आक्रोशित मरीज के परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ भी की। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के समझाने के बाद परिजनों का गुस्सा ठंडा हुआ। परिजनों का कहना है कि समय पर अगर इलाज हो जाता तो मौत नहीं होती। बहुत सीरियस हो गया तो हम बोले वहाँ लेट हो जाएगा, 10 बजे नहीं जा सकेंगे हैं। तो ये भैया बोले हमारा भगना कि चलिए लंच करेंगे हॉस्पिटल में लेके। अब यहाँ आए तो यहाँ कोरोना का चेक होगा तो इसका चेक होगा। कितना बजे आए? आए थे 9:30 बजे के लगभग। क्या हुआ? नहीं देखा, कुछ नहीं किया। क्या बोला? बोला कोरोना के लिए ऊपर जाना होगा 3 मंजिला पर और 9:30 बजे से लेके अभी तक हमको बैठा के नहीं कुछ किया। लास्ट में मर गया। पटना में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन ने नगर निगम के कर्मचारियों के लिए विशेष आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की है। जिला प्रशासन ने कल ही इस बात की घोषणा की थी कि लगातार नगर निगम के कर्मचारियों की स्थिति को देखते हुए विशेष आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा। यह आइसोलेशन वार्ड पटना के एसकेपुरी में सामुदायिक भवन में बनाया गया है। आइसोलेशन वार्ड में अभी 15 बेड लगाए गए हैं और 50 बेड लगाए जाने की व्यवस्था है। आइसोलेशन वार्ड का जायजा लिया हमारे संवाददाता मरगूब आलम ने। राजधानी में बढ़ रहे लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की है। आज से यह आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यह हम आपको दिखाना चाहेंगे। पटना के एसकेपुरी में यह आइसोलेशन वार्ड सामुदायिक भवन में बनाया जा रहा है। 50 बेड लगाए जाने इस आइसोलेशन वार्ड में। इस आइसोलेशन वार्ड में सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के कर्मचारी जो है उनको यहाँ लाया जाएगा, उनका इलाज कराया जाएगा। कल ही जिला प्रशासन ने इस बारे में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उस निर्णय के परिणाम स्वरूप आज ये आइसोलेशन वार्ड फिलहाल यहाँ तैयार किया जा रहा है। फिलहाल यहां आप देख सकते हैं लगभग अभी 15 बेड लगाए गए हैं, उसके बाद 50 बेड लगाए जाने हैं। जो हमसे बातचीत हुई है पटना के जिलाधिकारी की, उनका कहना है कि यहां हर सुविधा पूरी तरह देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारियों का कहना है कि सबसे ज्यादा कोरोना योद्धा के तौर पर उन लोगों की भूमिका है, क्योंकि वो लोग लगातार कह सकते हैं कि लगे रहते हैं जहां जहां संक्रमण की स्थिति है वहां। तो फिलहाल इसे देखते हुए कहने का कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन ने एक अच्छी पहल की है और फिलहाल जो है वो तैयारियां चल रही है। कितने बेड लगाए जाएंगे? अभी 15 लगाए गए हैं और पेशेंट बढ़ेंगे तो 50 बेड लगाने की अनुमति मिली है। अनुमति मिली है? सुबह से आप लोग लगा रहे हैं? जी सुबह से हम लगा रहे हैं लगातार। देखिए जो यहाँ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो लोग हैं कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं जिला प्रशासन के द्वारा, उनका कहना है कि 15 बेड लगाया गया है, 50 बेड की व्यवस्था की जा रही है और फिलहाल यहाँ सभी वो उपाय किए जाएंगे जिला प्रशासन के द्वारा निश्चित तौर पर और पूरी तरह से यहाँ इलाज को लेकर के जिला प्रशासन ने नगर निगम के कर्मचारियों के लिए आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था की है।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज एनएमसीएच अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने कोविड वार्ड की व्यवस्था का जायजा लिया। आपको बता दें कि एनएमसीएच में हंगामा हुआ था, जिसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य बहिष्कार किया था। उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने 45 मिनट निरीक्षण के बाद बैठक की और मरीजों से मुलाकात की। एनएमसीएच में जो त्रुटियां हैं उसे 3 दिन में सुधारने का आश्वासन भी दिया, और इसी के साथ ही सभी वार्डों को एक एक विभागाध्यक्ष डॉक्टर को सुपुत्र किया जाएगा। अगर किसी वार्ड में मरीज की मौत होती है तो उस वार्ड के डॉक्टर 3 घंटे के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि एनएमसीएच में कुल 450 कोरोना बेड हैं, जिसमें 167 बेड पर ऑक्सीजन गैस का पाइपलाइन है। कुछ बेड पर जल्द गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा रहा है। कॉलेज अस्पताल में आया और आकर यहाँ जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके वार्ड में गया, जो हमारा आईसीयू है वहाँ गया और उन जगहों पर जाके लगभग आधे पौन घंटे तक उस परिसर के अंदर रह के मरीजों से मैं मिला हूँ। एक एक जो मरीज मैं मिला, सभी लोगों से उनका हालचाल मैंने पूछा। सभी लोगों ने जो अस्पताल की व्यवस्थाएं थी, प्रबंधन था, उस पर संतोष जताया। 2-3 लोगों ने उनको कुछ परेशानी हो रही थी, उस परेशानी के बारे में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ने उनको बताया। बता दें कि इसके पहले एनएमसीएच में हंगामा कर रहे लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की गाड़ी का घेराव किया था। मरीज के परिजनों की शिकायत है कि यहां इलाज और टेस्ट नहीं होता है, इसी को लेकर मंगल पांडे के काफिलों को लोगों ने रोक दिया था। किसी तरीके से पुलिसकर्मियों ने काफिलों को निकाला। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एनएमसीएच जा रहे थे, इसी बीच लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री के गाड़ी को रोक दिया था। मरीज के परिजनों की यह शिकायत है कि यहां पर कोरोना का इलाज और टेस्ट नहीं होता है, इसी को लेकर मंगल पांडे के काफिलों को लोगों ने रोक दिया था। किसी तरीके से पुलिसकर्मियों ने काफिले को निकाला। पटना एम्स के नर्सिंग स्टाफ और नर्सों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल कर दिया है, जिससे एम्स में कोरोना मरीजों से लेकर एम्स प्रशासन की परेशानी बढ़ गई है। एम्स के बाहर गेट पर लगभग 400 की संख्या में नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि यह हड़ताल एम्स पटना में संविदा कर्मी स्टाफ और नर्सों ने कई मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए किया। इन लोगों की मांग है कि समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाए, साथ ही समान एम्स डॉक्टर की सुविधा, और कोई नर्सिंग स्टाफ या नर्स यहां से छोड़ जाती है तो उसे कार्य का रेगुलर एम्स के पैड पर अनुभव सर्टिफिकेट दिया जाए। हम एम्स पटना नर्सिंग ऑफिसर आउटसोर्स कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, हम लोगों की कुछ मांगे हैं। 800 कर्मचारी हम, हाँ, तो इसमें हमारी डिमांड में ये एक तो जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है कि हमको हमारी जॉब सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, सेकंड हमारी जो है ये हमारी सैलरी इंक्रीमेंट की, सैलरी इंक्रीमेंट का, जैसे अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि समान कर्मचारी समान वेतन, ये सेम वर्क सेम पे, तो इसके रिगार्डिंग हमारी सैलरी इंक्रीमेंट का है। एक हमारी जो लीव है और अभी कोई जो को मेडिकल लीव है, सिक लीव है, इनमें थोड़ा कंसेशन है, तो इसके इंक्रीमेंट के रिगार्डिंग है। सर ऐसे तो हमारी 6 सूत्री मांग है, लेकिन 6 सूत्री मांग में सबसे हमारा जो पहला डिमांड है कि हम यहाँ पे 3 से 4 सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हमें भी एम्स का अंग मान करके हमको एम्स के जैसा, जैसे एम्स के एम्प्लॉई को जैसे हमको मान्यता दिया जाता है उसी तरह से हमको भी मान्यता दिया जाए। हम ये नहीं कहते हैं कि हमको पूरी तरह से परमानेंट करो, लेकिन जो भी है हमको भी मान्यता मिलना चाहिए एम्स के स्टाफ के जैसे।
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मधुबनी दौरे के बाद राजनीति तेज हो चुकी है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी के दौरे के कारण अल्पसंख्यक समाज के एक शख्स की मौत हुई है। उन्होंने तेजस्वी पर आरोप लगाया है कि मृतक के परिजनों से मिलने के लिए स्थानीय लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन आप 9-2-11 हो गए। अल्पसंख्यकों के प्रति आपका प्यार कल दिख गया। शवों की राजनीति कब तक कीजिएगा तेजस्वी जी? कब तक लाशों पर राजनीति कीजिएगा तेजस्वी जी? शर्म नहीं आती? मधुबनी जिला का लाभ गए, बाढ़ राहत के नाम पे आपने बस फोटो पॉलिटिक्स की, आपके साथ चल रहे अब्दुल जनान जी की नाव हादसे में मृत्यु हो जाती है, उनके परिजन वहां के लोग आपको रोकते रह गए कि एक बार मिल लीजिए, एक बार देख लीजिए, आप वहां से 9-2-11 हो गए। शर्म नहीं आती? संवेदना मर चुकी है आपकी, यही लाशों की राजनीति करना चाहते हैं आप? अल्पसंख्यकों का प्यार यही है आपका? शर्म कीजिए, शर्म कीजिए, और हम लोगों से नहीं, कम से कम अल्लाह ताला से तो डरिए तेजस्वी जी। लापोंग भागलपुर थाना क्षेत्र के गांव के जवान जम्मू कश्मीर में तैनात 50 वर्षीय बिगना हेरंज के को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। जवान का पार्थिव शरीर देर रात रांची लाया गया। जवान का पार्थिव शरीर नामकोम स्थित आर्मी कैंप में रखा गया है। पार्थिव शरीर के साथ उनकी धर्मपत्नी शिलवंती सोलंकी भी मौजूद हैं। आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और सीमा सड़क संगठन के सूत्रों के अनुसार अपने कर्तव्य के प्रति कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ जवान बिगना हेरंज ने अपनी सेवा पूरी ईमानदारी के साथ दी थी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। अंकुर बायोक्लिनिक्स हैंड सैनिटाइजर WHO के मापदंड पर 100% खरा। झारखंड का पहला हैंड सैनिटाइजर जिसमें है 80% अल्कोहल, 99.9% कीटाणु मारने की शक्ति, कोरोना से बचाव में सबसे बेहतर सैनिटाइजर। अंकुर बायोक्लिनिक्स हैंड सैनिटाइजर, आपको रखे स्वच्छ, आपको रखे सुरक्षित। देश का पहला कोरोना बुलेटिन जिसने जीता भारत वर्ष का भरोसा। संक्रमण का लेटेस्ट अपडेट बताएं 100 सेकंड में। देश का कोना कोना, हॉटस्पॉट शहरों का अपडेट। न्यूज टॉप 9 में विश्वसनीय खबर। 9 सबसे बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना। TV9 भारत वर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना? आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलीशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाईकोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सेल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। DEFCON 600 HCR, the perfect foundation for constructing tomorrow's India. Ab India banega tough. DEFCON 600 HCR. Kan kan mein, rag rag mein, kan kan mein Bharat apne, rag rag mein Bharat. Isi se roshan, isi se ujjwal. Barson se apna path, barson se apna path. Bharat se hai hum. भारत जैसे हम, भारत से हैं। 1983 से आत्मनिर्भर भारत के लिए संकल्पित है ज्योति लैब्स। बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल, अब सिर्फ एक क्लिक पर ऐप डाउनलोड करें। योग से तन स्वस्थ हो, योग पर ना धन खर्च हो, आसनों को आजमा लें, आरोग्य का हाथ थाम लें, आओ करें योग, रहें निरोग। देखिए हर रोज
कशिश की कसरत योग गुरु विद्याभूषण के साथ सुबह 8:30 बजे सिर्फ कशिश न्यूज पर। रांची में आप ढूंढ रहे हैं आशियाना। आशियाने के पास ही चाहते हैं स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, एयरपोर्ट और स्टेशन, तो पूरे कीजिए अपने सारे सपने। सेल सिटी में आपका है स्वागत। वाइब्रेंट एम्बियंस, ग्रेट लोकेशन, आलिशान कैंपस, शानदार फ्लैट्स, न्यू हाई कोर्ट विधानसभा के करीब है आपका अपना ड्रीम होम। पानी, बिजली, गैस के झंझटों से दूर आपका अपना रिलैक्स जोन। सिल सिटी, अ गिफ्ट टू रांची। योग से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर भागलपुर से है, जहां कोरोना पीड़ित कमिश्नर की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत में वंदना किन्नी को पटना के एम्स में रेफर किया गया है। कमिश्नर के साथ डॉक्टर्स की एक टीम को भी भेजा गया है। ड्यूटी के दौरान 17 जुलाई को कोरोना से संक्रमित पाई गई थी कमिश्नर वंदना किन्नी। कमिश्नर के आवास पर ही उनका इलाज चल रहा था। बुधवार को सांस लेने में उन्हें तकलीफ हुई, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें पटना एम्स में रेफर कर दिया। धनबाद में 12 वर्षीय नाबालिग से दुराचार करने वाला आरोपी का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया है, जिसके बाद गोविंदपुर थाना के पुलिस कर्मियों एवं पदाधिकारी समेत अन्य लोगों में हड़कंप मच गया है। फिलहाल आरोपी को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया है, जबकि पीड़ित एवं आरोपी के परिवार वालों को घर में ही रहने की हिदायत दी गई है। गोविंदपुर थाने को सैनिटाइज करने की तैयारी की जा रही है, साथ ही तमाम पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी समेत युवक के संपर्क में आए सभी लोगों का स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन कोरोना जांच कराएगी। घटना के संबंध में आपको बता दें कि सोमवार की देर रात मुखिया को सूचना दी गई थी कि दुष्कर्म का आरोपी पकड़ा गया है। मौके पर पहुंचे मुखिया अमीर मंडल ने आरोपी से पूछताछ की, उसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई और आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। रांची के स्टेशन रोड के होटलों को कोविड सेंटर बनाए जाने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया। आपको बता दें कि शहर में कोरोना वायरस से बेतहाशा मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने निजी अस्पतालों से अनुरोध किया है कि वो होटलों से टाइप कर इलाज सुनिश्चित करें। इस कड़ी में स्टेशन रोड स्थित गुरु नानक अस्पताल ने 5 होटलों को असिम्टोमेटिक मरीजों को रखने की तैयारी शुरू कर दी है, जिसका स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया है और कहा कि रिहायशी इलाकों में कोविड-19 का सेंटर ना बनाया जाए। बहुत जगह लोग बाहर से आते भी हैं, होटल में भी चुपके से रह जा रहा है और होटल वाले उनको आने से रोकते नहीं है। हाँ। ये बहुत गलत चीज है, जबकि होटल बंद किया गया काउंटर, फिर भी यहाँ पे होटल खोल के एक आध रूम चार रूम देते रहते हैं, लोग आते जाते रहते हैं, पैसा कमाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। होटल के मालिक हैं, जिन लोगों ने ये बिना सोचे समझे डिसीजन ले लिया कि यहाँ पे कोविड-19 का ट्रीटमेंट किया जाएगा, उन जबकि वो भी यहाँ पे रह के जा चुके हैं, उनको ये बात पता है कि यहाँ पे और भी लोग रहते हैं, मोहल्ले के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पर उन लोगों ने पैसे के लालच में आके अपने होटल को कोविड-19 के ट्रीटमेंट में देने के लिए ज्यादा अनिवार्य। अब खबर पटना से है, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर थे संविदा कर्मी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से बातचीत के बाद यह हड़ताल खत्म किया गया। एक अच्छी खबर आ रही है, जहां संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है। आपको बता दें कि इस हड़ताल की वजह से कोरोना जांच बेहद प्रभावित हुई थी। पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर संविदा कर्मी जा चुके थे। स्वास्थ्य मंत्री से बातचीत के बाद ये हड़ताल खत्म किया गया। इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी मिशाल फोनलाइन से जुड़े हुए हैं। मिशाल, स्वास्थ्य मंत्री से क्या कुछ आश्वासन मिला है संविदा कर्मियों को? देखिए, संविदा कर्मियों को लंबे समय से मांग थी कि जो 200 से ऊपर से जो काम कर रहे हैं उनको जो है परमानेंट किया जाए और जो सुविधाएं आने को मिलती हैं उनके उनके संकट जो काम करता है परमानेंट, वही तमाम सुविधाएं जो है संविदा कर्मियों को भी मिले। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कोरोना को लेकर के जो है तमाम स्वास्थ्य कर्मी अपनी जान को खेल कर के जो है
तमाम लोगों पर टेस्टिंग कर रहे हैं अस्पतालों में है, ऐसे में इनको एक महीने का अतिरिक्त वेतन भी चाहिए था और वेतन बढ़ोतरी की भी मांगी लंबे समय से कर रहे थे। तो इन तमाम मांगों को लेकर तमाम जो प्राप्त कर दिए थे वो हड़ताल पे चले गए थे, जिससे कि तमाम जिलों में बिहार के लगभग तमाम जिलों में जो पीएससी या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कोविड-19 के जो केस थे उनको काफी ज्यादा जो है प्रभावित होना पड़ा था। इस सभी मांगों को लेकर जो है पिछले चार दिनों से ये लोग हड़ताल पर थे, 17,000 की संख्या है इनकी बिहार में, जिसको लेकर इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के साथ मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद एक महीने के अंदर इन तमाम मांगों का जो है वो निवारण कर दिया जाएगा, जिसके बाद तमाम लोग जो है उन्होंने कोविड-19 को देखते हुए जो है अपने अपने कामों को देखते हुए जो है उन्होंने हड़ताल को फिलहाल वापस ले लिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री का ये कहना है कि जो भी इनकी मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाएंगी और बिहार में जो स्वास्थ्य केंद्र में जो टेस्टिंग हो रही है उसमें किसी तरह की कोई भी टेस्टिंग जो है प्रभावित नहीं होगी। बिल्कुल, तो कह सकते हैं मिशाल की स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद बिहार के संविदा कर्मियों ने फिलहाल हड़ताल को खत्म कर दिया है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मिशाल। पटना सिटी आलमगंज थाना क्षेत्र के गायघाट के पास मंदिर में पूजा करने पहुंचे सुधा काउंटर के संचालक को अपराधियों ने गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही संचालक की मौत हो गई। मामला आपसे विवाद बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 100 रुपए के खुदरा को लेकर अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया। सुधा काउंटर के संचालक की पहचान विनय कुमार तिवारी के रूप में की गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में आए दिन अपराधियों का जमावड़ा लगा रहता है और उन्हीं के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो 4:45 में मुझे सिटी की ओर से खबर आया कि गोली चल रहा है वहाँ। तो मैं कहाँ गोली चल रहा है? गायघाट के पास गोली चल रहा है। तो मैं तुरंत गायघाट आया तो देखी थी तो गोली लगा हुआ था। किन को? विनय कुमार तिवारी को गोली लगा हुआ था और देखे तो एस्कॉर्ट है। क्या कुछ पता चला अपराधी के बारे में, कितना गोली लगा है इनको? खगड़िया में सिविल कोर्ट के एक जज के बॉडीगार्ड ने सरकारी पिस्टल से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। बेहोशी की हालत में सिपाही को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने सिपाही बिरजू तांती को मृत घोषित कर दिया। बॉडीगार्ड बिरजू तांती का शव पुलिस लाइन के सरकारी आवास से बरामद किया गया है। हालांकि घटना के वजहों का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन सूत्रों का मानना है कि बॉडीगार्ड के एक 3 महीने की बेटी ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है, लिहाजा बीमार बेटी को लेकर पिछले कई महीनों से मानसिक रूप से तनाव में रह रहे थे बॉडीगार्ड। इन सब के बीच खगड़िया पुलिस एसोसिएशन के लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। घटना खगड़िया पुलिस लाइन के क्वार्टर संख्या 5 की है। हालांकि मृतक के परिजनों का कहना है कि वो बिल्कुल ठीक थे, आज सुबह उनके मरने की सूचना मिली। यह हत्या है या आत्महत्या, भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। खबर गोपालगंज से है, जहां जादोपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच पथ में कटाव शुरू हो चुका है। गंडक के तेज बहाव से अप्रोच पथ में दरार बढ़ रहा है। बता दें कि जादोपुर के राजवाही के पास ध्वस्त होने के कगार पर अप्रोच पथ है। गोपालगंज के जादोपुर मंगलपुर महासेतु के आगे अप्रोच पथ में कटाव शुरू हो चुका है। गंडक के तेज बहाव से अप्रोच पथ में बढ़ रहा दरार जादोपुर के राजवाही के पास ध्वस्त होने के कगार पर है अप्रोच पथ। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, कड़ी मेहनत और ईमानदारी के दम पर इंसान अपने सपने को पूरा कर सकता है। और ऐसे ही अपने और अपने परिवार के सपने को पूरा किया है रांची की बेटी अंजलि ने। खपरैल के मकान में रहने वाली गरीब माँ बाप की बेटी अंजलि गुंजू ने इंटरमीडिएट में लोहरदगा में जिला टॉपर बनकर कल्याण विभाग द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और अपने जिले का नाम रोशन किया है।
सोना हाथू प्रकरण के चौका हाथू की बेटी अंजलि गुंजू ने परचम लहराया है। अंजलि ने लोहरदगा की सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की है। अंजलि के माता पिता को उम्मीद नहीं थी कि अंजलि जिले में टॉप करेंगी। अंजलि ने भी कहा कि उसे पता था कि वो प्रथम श्रेणी में आएगी, लेकिन जिले में टॉप करेगी ये उसने सोचा ना था। पूरा परिवार अंजलि के बेहतर रिजल्ट से बहुत खुश है। परिवार के साथ चौका हाथू गाँव का नाम भी अंजलि ने रोशन किया है। मेरी बेटी लोहरदगा स्कूल में टॉपर पास की है और मेरा नाम है विष्णुचरण गोंझू। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी सरकार तरफ से, स्कूल की तरफ से कुछ हेल्प मिले। हम लोग गरीब परिवार किसान के हैं और हम बहुत ही खुश हैं कि बेटी मेरी इतना हाईलाइट में रिजल्ट लाई है। खुशी का तो अंदाजा सर आपको नहीं बता सकते। हम लोग तो सपना में भी नहीं सोचे थे कि इतना अच्छा करेगी। ना जानते थे कि फर्स्ट डिवीजन से पास करेगी, लेकिन जब सुने उस दिन तो हम लोग का खुशी से बोल ही नहीं निकल रहा था, क्या करें क्या नहीं। जैसा मैं उस लोहरदगा जिले में पूरा टॉप आई हूँ। मेरा विषय साइंस था, मुझे बहुत खुशी है। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी किया था। मेरे सारे टीचर बोलते थे कि तुम कर सकती है जिला टॉप, पर मुझे उसमें विश्वास नहीं होता था कि मैं इतना कर सकती हूँ। पर जब रिजल्ट देखी तो जैसे तो भूख प्यास सब मिट ही गया, इतना खुशी लग रहा था। झारखंड गवर्नमेंट टूल्स रूम द्वारा अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया गया है, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अल्ट्रा वायलेट मशीन के द्वारा मोबाइल या फिर किसी तरह के फाइल, दस्तावेज, पर्स अल्ट्रा वायलेट मशीन से सैनिटाइज किए जाएंगे। ये ब्लू रंग की मशीन में लगभग 5 से 10 सेकंड में किसी भी कागज के फाइल या मोबाइल को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया जाएगा। झारखंड के द्वारा पैडल सैनिटाइजर और अल्ट्रा वायलेट मशीन का निर्माण कर सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों में ये मशीन लगाने की अनुमति मिली है। इससे जितने भी दस्तावेज और कागज के सामान हैं वो पूरी तरह से सैनिटाइज किए जा सकते हैं। बेगूसराय में गंडक नदी में मछली मारने के लिए लगाए गए जाल में डॉल्फिन फंस गई। घटना खोदावंतपुर थाना क्षेत्र के 12 गांव के पास बूढ़ी गंडक नदी की है। जाल में अत्यधिक वजन होने की वजह से मछुआरे भी अचंभित हो गए। फिर जैसे ही जाल को बाहर निकाला गया तो लोगों ने डॉल्फिन को जाल में फंसा पाया, लेकिन जाल से बाहर निकालने के बाद डॉल्फिन मृत पाई गई। डॉल्फिन की मौत के बाद लोगों ने गंडक के पास ही एक गड्ढा कर डॉल्फिन को गड्ढे में दफना दिया। डॉल्फिन के संरक्षण के लिए सरकार अभियान भी चला रही है। ऐसे में गंडक नदी में एक डॉल्फिन के जाल में फंसकर मौत से कई सवाल भी उठ रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के द्वारा मृत डॉल्फिन को नदी किनारे ही दफना दिया गया है। वो नीचे में देखे ना, बगल में पड़ा हुआ था, तो बगल में पड़ा हुआ तो देखा सोई, सब चिंतित थे सोई से, उसको उठा ली थोड़ा दिखा लेते, किसी को देख लेंगे क्या। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कशिश न्यूज़।